क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रॉप। इसका मतलब है जो फील्ड है वो है हमारे पास स्क्वायर शेप, जिसकी साइड भी हमें गिवन है 15 मीटर, लेकिन जो रोप है जिस रस्सी से ये हॉर्स टाइड है वो सिर्फ 5 मीटर लॉन्ग है। तो उसके बाद हमें जो फाइंड करना है वो है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, जिसमें हॉर्स जो है वो घास खा सकता है। तो वो एरिया क्या रहेगा, ये क्वाड्रेंट, क्योंकि स्क्वायर है दैट मींस कॉर्नर पे एंगल है 90 डिग्री, तो वी हैव टू टेक थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड फाइंड द एरिया एट विच इट कैन ग्रेज। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं इजिली बाय यूजिंग एरिया ऑफ सेक्टर। द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया ऑफ इफ द रोप वर 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, इसका मतलब 10 मीटर जो कर दी जाए रस्सी को 5 मीटर की जगह, तो कितना एरिया इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास 8 क्वेश्चन के लिए हमने ये बनाया डायग्राम, ठीक है। तो ये वाली जो रेडियस है हमारी, रेडियस है 5 मीटर, तो 5 मीटर रेडियस के लिए हमें इसको सॉल्व करना है। अब सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं हम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया द हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर या क्वाड्रेंट भी हम लिख सकते थे यहां पे विद एंगल 90 डिग्री, दैट इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। नाउ थीटा इज 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू पाई, वी हैव टू यूज 3.14, तो 314 बाय 100 इंटू रेडियस इज 5, देन 5 मल्टीप्लाई 5, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 9 4 36, अब 2 पे हम इधर कैंसिल कर सकते हैं 157, ठीक है। अब जो है हमारे पास नीचे जो है वो 2 बच रहा है, 2 तो आगे कैंसिल नहीं होएगा, तो 5 पे हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 5 2 20 आ जाएगा, फिर से 5 पे 4 आ जाएगा। अब हमारे पास बचा है 157 डिवाइडेड बाय 4 2 8, तो अगर इसके हम डेसिमल बनाएंगे तो डेसिमल इसके बन जाएंगे 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं, सेकंड में बोला गया था कि अगर आप रेडियस को 5 की जगह पे रेडियस आप कर दो 10 मीटर, तो कितना डिफरेंस आएगा एरिया में। तो सेकंड पार्ट के लिए हम सॉल्व करते हैं, सेकंड के लिए आप देखें सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा थीटा बाय 360, दैट इज 90 बाय 360 पाई आर स्क्वायर, पाई इज 314 बाय 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, और इसमें से हम माइनस करवा देंगे इस एरिया को 19.625 को, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 9 4 36, 2 पे इधर 157 और 0 से 0 एंड 0 से 0, अब 157 बाय 2 आ गया, तो इसके हम डेसिमल बना लेते हैं 157 बाय 2, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 78.5, ठीक है। इसमें से हमें माइनस करना है, इसमें से हमें माइनस करना है ये वाला 19.625, ठीक है। अब इसमें लाइक ना लेना है आपने पहले 00 लगा के, अब अगर इसमें से हम 19.625 को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 58.875 मीटर स्क्वायर, दैट मींस इतना एरिया इंक्रीज हो जाएगा अगर हम रेडियस को 5 की जगह पे 10 ले लेते हैं। तो इसके बाद है नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35, दैट मींस ये जो सर्कल है उसको सिल्वर वायर से बनाया गया है और इसका डायमीटर हमें गिवन है 35 मिलीमीटर, द वायर ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड्स द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स, दैट मींस ये जो सेक्टर्स हैं वो 10 इक्वल सेक्टर्स बनाए गए हैं यहाँ पे, और सिल्वर वायर को इस जगह पे भी यूज किया गया ऐसे 5 डायमीटर्स बनाने के लिए। तो वी हैव टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, तो सिल्वर वायर की टोटल लेंथ कितनी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखते हैं डायमीटर जो हमें गिवन है, डायमीटर है हमारा 35 मिलीमीटर देन रेडियस विल बी
35/2 मिलीमीटर। अब हमारे पास रेडियस भी है और हमें पता है कि डायमीटर्स में यूज हुई है वायर और सर्कल बनाने में। अब ये जो सर्कुलर लेंथ है इट कैन बी फाइंड बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ वायर, जो वायर की लेंथ हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ वायर, तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम 2πr+5 × डायमीटर। वाई? बिकॉज 5 डायमीटर बनाने में भी इसका यूज हुआ है। तो अब आप देखें 2 × π, वी हैव टू यूज 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस इज 35/2 +5 × 35। नाउ वी कैन कैंसिल, 7 × 5 = 35 एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 × 5 = 110 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 5 = 25, 2 कैरी जाएगा 5 × 3 = 15 और 2 = 17 और इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 285 मिलीमीटर। तो इतनी हमारी सिल्वर वायर जो है यूज हुई है इसको बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। तो हर एक सेक्टर का एरिया अगर हमें निकालना है तो वैसे तो देखो फॉर्मूला है θ/360, बट यहाँ पे हमें पार्टीशन दे रखा है कि इसको टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो एक सेक्टर का फाइंड करना है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/10πr². अब ऐसा क्यों, क्योंकि 10 में से एक सेक्टर का निकालना है, तो θ/360 भी एक फ्रैक्शन ही होता है। तो 1/10 × 22/7 रेडियस इज 35/2 इंटू 35/2। नाउ वी कैन कैंसिल 2 × 11 = 7 5 एंड 2 तो आ ही गया हमारे पास, तो 5 पे इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 5 × 2 = 10। तो ये हमारे पास बचा है 35 को 11 से करेंगे तो 385/4 और ये आ जाएगा हमारा एरिया था, तो मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, ये वैल्यू भी सही है बिकॉज नीचे 4 है, तो 4 अगर आ जाए तो आपको पता होगा कि ये प्रॉपर डेसिमल प्लेस तक जो है डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 96.25, ठीक है। तो ये आंसर भी सही है, ये भी सही है, दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। इस तरह से अम्ब्रेला है, ये जो वायर्स होती हैं इसमें, इसको रिब्स बोल दिया, तो 8 रिब्स हैं इसमें, आर इक्वली शेप्ड, मतलब 8 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, यूजिंग एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। तो हम इसको एक सर्कल अगर कंसिडर करें ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। तो ये तो ईजी है बिल्कुल, तो क्या करना है हमें, हमारे पास एक सर्कल है, अगर वो टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है इस तरह से, 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है और रेडियस हमें जो गिवन है वो है 45 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। तो बिल्कुल इजीली हम फाइंड कर सकते हैं बिकॉज ये एरिया ऑफ सेक्टर वाला ही फॉर्मूला बन जाएगा, एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स इज एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर अभी मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे 8 इक्वल पार्ट्स हैं, तो सेम एज 1/8πr² ये हमारा जो है फॉर्मूला बन जाएगा, 1/8πr². अब आप देखें 1/8π, वी हैव नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, दो वी विल यूज 22/7 इंटू रेडियस इज 45। नाउ वी कैन कैंसिल इट, 2 × 4 = 8, 2 × 11 और कुछ भी यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले 45 को 45 से और देन जो आएगा उसको 11 से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 × 5 = 2 × 2 = 7 5 डिवाइडेड बाय 7 × 4 = 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, दैट मीन्स 2 वाइपर ऐसे ऐसे काम करते हैं जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते हैं, ओवरलैप दैट मीन्स एक दूसरे के पार्ट जहां पे दूसरा स्वाइप कर रहा है वहां पे नहीं आता है दूसरे वाला,
Each viper has a blade of length 25 cm. अब ब्लेड की लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। मतलब ये कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा, यहां से जैसे एक वाइपर ब्लेड यहां से 115 डिग्री तक कवर करता है और दूसरा यहां से 115 डिग्री तक कवर करता है। दैट मीन्स थीटा इज 115 एंड रेडियस इज द लेंथ ऑफ ब्लेड विच इज 25 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एरिया जो ये स्वीप कर रहे हैं। तो ये कैसे आ जाएगा, हम यहां लिखेंगे एरिया स्वेप्ट या टोटल एरिया स्वेप्ट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाय बिकॉज बोथ आर सेम लेंथ सेम एंगल। नाउ 2 मल्टीप्लाई थीटा इज 115 बाय 360 इंटू पाई इज नॉट गिवन, देन वी विल यूज 22 बाय 7 इंटू 25 इंटू 25। नाउ वी कैन कैंसल देम ऑल्सो ऑन 5 एंड 2। नाउ 2 पे 180 आ जाएगा, अगेन 2 पे हमारे पास 90। नाउ वी कैन कैंसल देम ऑन 5 और यस 5 5 वन ज 5 5 इट इज अ 40। नाउ इट कैन बी कैंसल्ड 5 टू ज एंड 5 थ्री ज। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन सबको, ये 25 25 6 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 23। तो ये हमारे पास बन जाएगा कैलकुलेट करके 158 125 डिवाइडेड बाई 18 7 जा 126। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इतना एरिया जो है ये स्वाइप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-1 शेप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। अंडर वाटर रॉक्स जो होती हैं, जैसे समुद्र के नीचे जो पत्थर वगैरह चट्टाने हैं। ए लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। दैट मीन्स जो लाइट हाउस होते हैं, बिल्डिंग बनी होती है, वहां से लाइट जो है इस तरह से मूव करती रहती है, तो 80 डिग्री तक स्वाइप कर सकती है लाइट जो है, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। तो ये रेडियस का काम करेगी 16.25। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वॉर्न। जहां जहां पे शिप को वॉर्न किया जा रहा है तो वो एरिया हमें फाइंड करना है। तो दैट मीन्स जैसे यहाँ पे लाइट हाउस है ये वाला, तो 80 डिग्री एंगल तक वो कवर कर रही है वो जो लाइट है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल 80 डिग्रीज और कितनी लेंथ तक कवर कर रही है 16.5 किलोमीटर, देन इट इज रेडियस। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, तो वी विल यूज हेयर एरिया, वी विल राइट इट एज एरिया ऑफ द सी ओवर विच ships are worn। तो ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ थीटा इज 80 बाय 360 इंटू पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, वी हैव टू यूज 3.14, देन इट विल बी बाय 100 एंड रेडियस इज 16.5, 165 बाय 10 इंटू 165 बाय 10। नाउ जो कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल कर देते हैं, 0 4 2 जा 4 9 जा 36। नाउ 6 इट कैन बी कैंसल्ड ऑन 3 बिकॉज 5 प्लस 1 6 6 12, तो 3 जा 3 5 जा 15 3 5 जा 15 3 पे सेम 55, 2 5 जा 10 एंड 5 11 जा। नाउ 2 पे 157, 2 5 जा 5 10 जा 5 11 जा। आगे हम कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि दो के बाद हम इजीली पॉइंट प्लेस कर सकते हैं 157 को 11 और 11। अब 11 11 जा तो 121 हो जाएगा, तो इसको 157 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये बन जाएगा 18997 और 122 के बाद हम पॉइंट प्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा एरिया किलोमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस
एज शोन। अब ये जो है हमारे पास 6 इक्वल डिजाइन है। इफ रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर इसकी रेडियस जो है वो 28 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कॉस्ट हम तभी निकाल सकते हैं अगर हम इस चीज का एरिया निकाल लेंगे, डिजाइन का एरिया। तो आप देखें अगर मैं यहाँ पे इसका सेंटर बना दूं है ना, और एक को ज्वाइन कर दूं इस तरह से, तो ये वाला हमारा क्या बन गया, ये सेगमेंट वाला एरिया नहीं बन गया। तो अगर हम इस सेगमेंट का एरिया फाइंड कर दें तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन वी विल फाइंड द कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखें इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, हम लगाएंगे एरिया ऑफ वन डिजाइन, है ना, क्योंकि 6 इक्वल डिजाइन है। एरिया ऑफ वन डिजाइन, वन डिजाइन का एरिया हमारे पास होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, वाई, बिकॉज 6 इक्वल पार्ट्स हैं। 6 इक्वल पार्ट में अगर आप डिवाइड करते हो 360/6, द एंगल विल बी 60 डिग्री। अब 60 डिग्री वाली जो ट्रायंगल होती है वो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो फॉर्मूला विल बी 60/360 या 1/6 भी हम यहाँ पे ले सकते थे, बिकॉज 6 इक्वल पार्ट्स हैं। एंड पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज द पाई आर स्क्वायर माइनस दिस फॉर्मूला विल बी √3/4a² ठीक है। अब हम जो है यहाँ पर रेडियस हमारे पास जो है वो है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 28 है। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 60/360 इंटू पाई, वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस इज 28 × 28। अब जो है माइनस इसकी जगह पे हमें बोला गया है 1.7 रखने को, देन वी विल यूज 17/10 मल्टीप्लाई ए, दैट मीन्स ये साइड, और ये साइड रेडियस ही है हमारी 28, देन वी विल यूज 28 × 28। नाउ कैंसल देम, 7 × 4 = 28 एंड 6 × 6 = नाउ वी कैन कैंसिल देम ऑन 2 × 3 = 2 = 11 इज इट राइट, 3 विल नॉट बी कैंसल्ड, देन वी विल मल्टीप्लाई देम एंड वी विल गेट 11 × 4 = 44 × 28 1, 2, 3, 2 / 3 माइनस, और यहाँ पे भी कुछ नहीं कैंसिल होगा है ना, तो हमें तो मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी 28 को 28 से, और फिर जो आएगा उसको 17 से, और एक के बाद हम पॉइंट प्लेस कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर जो है हमने 4 जो है वो छोड़ दिया है, 4 को भी लेते हैं साथ में, ठीक है। तो 4 × 4 = 7 हो जाएगा हमारे पास 28 है ना, तो 4 × 7 = 28। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 17 को 7 से, और जो आएगा आंसर उसको 28 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 3, या फिर और ना कैंसिल कर ले है ना, क्योंकि इधर भी हमारे पास देखो 3 बचा हुआ है, तो यहाँ पे भी 10 बचाने का फायदा नहीं है, 2 पे कर लेते हैं, 2 × 5 = और 2 × 14 है ना। अब और हमारे पास छोटा हो जाएगा, तो 17 को 7 से कर देते हैं और जो आएगा उसको 14 से, तो हमारे पास बन जाएगा 1666/5। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा इनका 15, ठीक है। तो 3 × 5 = 15, अब इसको 1, 2, 3, 2 को मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, क्योंकि 3 × 5 = 15 है, तो 5 से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6160 माइनस, इधर हमारे पास हो जाएगा 5 × 3 = तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि 5 × 3 = 15, हाँ जी बिल्कुल सही है, 4998, और माइनस कर देते हैं फिर हम इसको 6160 में से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 − 8 = 2 एंड तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कैरी क्या था 15 − 9 = 6 एंड यहाँ पे हो जाएगा 10 − 9 = 15 ठीक है / 15 ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक डिजाइन का, वी हैव टू फाइंड फॉर 6 डिजाइन। हम यहाँ लिखेंगे एरिया फॉर ऑफ 6 डिजाइन,
इज इक्वल टू 1162 बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 2 3 5, ठीक है। तो इसको और हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से कर लेंगे, 2 2 4 2 6 12, 2 1 2 और 1 3 2 1 2 डिवाइडेड बाय 5। अभी हमारे पास 6 डिजाइंस का एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर्स में, ठीक है। अब आप देखिए हमें कोस्ट फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोस्ट ऑफ 2 3 2 4 बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 3 2 4 बाय 5 इंटू 0.35 करना है, तो दैट मीन्स 35/100 कर देते हैं, है ना। तो 5 पे 5 7 जा 35। अब हम क्या कर लेंगे, इसकी इसके साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 3 2 4 को 7 से, तो यहाँ जगह 16 268 और 2 के बाद हम यहाँ पॉइंट प्लेस कर देते हैं, तो हमारा कॉस्ट आ गया 162.68 रुपीज। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा टिक द करेक्ट वाला, बट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर पी। अब सेक्टर ऑफ एंगल पी है, दैट मीन्स एंगल पी दे रखा है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो फॉर्मूला एक्चुअली होना चाहिए पी बाय, क्योंकि थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये होना चाहिए, क्या ये मैच कर रहा है, नहीं। वैसे भी पाई आर स्क्वायर वाली सिर्फ बी और डी पार्ट है, तो आंसर तो इन्हीं में से है। अब आप देखें यहाँ पे तो पाई आर स्क्वायर बट पी बाय 180 है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो दैट मीन्स ये है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी, तो ये बन जाएगा पी 2 पाई आर स्क्वायर बाय 720। देखो ये मैच कर रहा है ना, तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, हमारा चैप्टर 11 जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है, ठीक है। ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 12 चैप्टर था, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 11 चैप्टर है, और इसमें एक ही एक्सरसाइज है हमारे पास 11.1। आप सभी के पास न्यू वाली ही बुक होगी, अगर ओल्ड है तो वो भी नोट डाउन कर लेंगे। और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।